नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के मंडी भाव अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में फसलों के क्या दाम रहे। तो शुरुआत करते हैं लखनऊ की मंडी के साथ, जहां पर चावल के दाम 2450 रुपए रहे। इसके अलावा गेहूं के दाम 2030 रुपए रहे। फरुखाबाद की मंडी में चावल के दाम 2425 रुपए रहे। पीरी मक्का के दाम 2010 रुपए रहे, तो वहीं गेहूं के दाम यहां 2040 रुपए रहे। गोरखपुर की मंडी की बात करें तो धान के दाम 1525 रुपए रहे। चावल के दाम यहां पर 2500 रुपए रहे। मक्के के दाम 2000 रुपए रहे। गेहूं के दाम 2015 रुपए रहे। जौ के दाम 2325 रुपए रहे। बात कर लेते हैं इटावा की मंडी की, जहां पर चावल के दाम 2400 रुपए रहे। पीली मक्का के दाम 1975 रुपए रहे। बाजरे के दाम 2000 रुपए रहे। गेहूं के दाम 2016 रुपए रहे, तो वहीं जौ के दाम 2385 रुपए रहे। इसके अलावा जालून की मंडी की बात करें, जहां पर गेहूं के दाम 2015 रहे, जौ के दाम 2240 रुपए रहे, तो वहीं देवरिया की मंडी में धान के दाम 1500 रुपए रहे, चावल के दाम 2500, गेहूं के दाम 2015 रुपए रहे। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की मंडी की, जहां पर चावल के दाम 3500 रुपए रहे और पीली मक्का के दाम 2015 रुपए रहे, गेहूं के दाम 2060, तो वहीं जौ के दाम 2550 रुपए रहे। बलिया की मंडी में चावल के दाम 2560, गेहूं के दाम 2038, तो वहीं जौ के दाम 2540 रुपए रहे। बात कर लेते हैं बिजनौर की मंडी की, जहां पर चावल के दाम 2500 रुपए रहे, तो वहीं गेहूं के दाम यहां पर 2030 रुपए रहे। बुलंदशहर की मंडी में धान के दाम 3825 रुपए रहे, तो वहीं चावल के दाम 2975 रुपए रहे। पीली मक्का के दाम 2070, गेहूं के दाम 2050 रुपए रहे। मथुरा की मंडी में चावल के दाम 2680 रुपए रहे। बाजरे के दाम 2028 रुपए रहे। गेहूं के दाम 2072 रुपए रहे, तो वहीं जौ के दाम 2400 रुपए रहे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर दलहन फसलों की मंडियों में क्या कुछ भाव रहे। तो पीलीभीत की मंडी में काली उड़द के भाव 8985 रुपए रहे। हरी मूंग के भाव 9015 रुपए रहे। छोटे चने के भाव 5765 रुपए रहे। मटर की दाल के भाव 6585 रुपए रहे। अरहर दाल के भाव 8990 रुपए रहे। झांसी की मंडी की बात करें तो यहां पर काली उड़द के भाव 5460 रुपए रहे। हरी मूंग के भाव 7290 रुपए रहे। छोटे चने के भाव 4850 रुपए रहे। सफेद मटर के भाव 4270 रुपए रहे। बाराबंकी की मंडी में काली उड़द के भाव 7400 रुपए रहे। इसके अलावा चने के भाव 5600 रुपए रहे। मटर की दाल के भाव 6720 रुपए रहे। अरहर दाल के भाव 6200 रुपए के आसपास रहे। इसके अलावा बांदा की मंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर काली उड़द के भाव 8875 रुपए रहे। छोटे चने के भाव 4375, सफेद मटर के भाव 4325 रहे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर तिलहन फसलों के क्या कुछ भाव मंडियों में रहे। तो वाराणसी की मंडी में छोटी मूंगफली के भाव 6500 रुपए रहे। इसके अलावा तिल के भाव 9650 रुपए रहे। काली सरसों के भाव 6400 रुपए रहे। सरसों तेल के भाव 16000। अलसी छोटे दाने के भाव 7120 रुपए रहे। लखीमपुर की मंडी में काली सरसों के भाव 6460, सरसों तेल के भाव 16190, सरसों खली के भाव 2440 रुपए रहे। मैनपुरी की मंडी की बात करें तो यहां पर मूंगफली के भाव 5890, काली सरसों के भाव 6290 रहे। मुजफ्फरनगर की मंडी में सफेद तिल के भाव 9800, काली सरसों के भाव 6500 रुपए रहे। सरसों तेल 16500 रुपए पर बिका। इसके अलावा सरसों खली के भाव 3225 रुपए रहे। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का उत्तर प्रदेश का मंडी भाव अपडेट। कृषि से जुड़ी और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।